खबर मध्य प्रदेश के सिमरिया से है, जहां सुनवानी थाना प्रभारी वहीद खान की सूझबूझ से एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शादी का झांसा देकर अक्सर लोगों से पैसे और जेवरात ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। शिकायतकर्ता संतोष कुमार शुक्ला ने दर्ज कराया कि उनके बेटे सोनू शुक्ला की शादी उनकी कथित बहू महिमा शर्मा से हुई थी, लेकिन उनकी बहू शादी के 8 दिन बाद ही 1,60,000 रुपए लेकर फरार हो गई। वो मुंह दिखाई के नाम पर 1,00,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी ले गए। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की। वहीद खान ने बताया कि पुलिस और साइबर सेल के लगातार प्रयासों से सफलता मिली है। पुलिस की मदद से मामले का पर्दाफाश हुआ। सिमरिया से धर्मेंद्र पाठक के श्रीमान जी, मैंने शादी की गंज बसोदा में भतीजे की, तो एक हफ्ता बहू रही, गहना जेवर लेकर वो भाग गई। फिर मैंने रिपोर्ट की सुनवानी थाने में, तो 3 दिन के अंदर पन्ना जिले के थाना प्रभारी सुनवानी कला ने 3 दिन के अंदर मुलजिम को पकड़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैंने वासी गंज बसोदा बताया, फर्जी आधार कार्ड निकली, गौड़ जाति और ब्राह्मण बताया, 1,60,000 रुपये नगद गहना जेवर। सुनवानी खुर्द के निवासी मिस्टर संतोष शुक्ला जी ने अपने लड़के सोनू शुक्ला की शादी के लिए 1,50,000 रुपया नगद व 10,000 रुपया मेडिटेटर को दे करके शादी करवाई थी, जो शादी एफिडेविट न्यायालय पन्ना से 18/3/2024 को की गई थी। इसके बाद लड़की इनके संतोष महाराज के घर पहुंची, जो 8 दिन बाद शादी में मुंह दिखाई की रस्म में जो भी पैसा आता है वो एवं जेवर लेकर के चली गई और मोबाइल वगैरह सभी बंद कर लिए, जिससे कोई भी अब इन लोगों ने मुझे 21/9/2024 को थाना सुनवानी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से आवेदन पत्र दिया, जिसकी जांच करके मेरे द्वारा कायमी की गई। कायमी करने के बाद साइबर सेल पन्ना के माध्यम से कुछ मोबाइल नंबर मुझे विवेचना के द्वारा प्राप्त हुए थे, उनका लोकेशन ट्रेस करके जब मैंने शिव कुमार और शिवा और मोटू सनो उमेश सिंह गौड़ को दस्तयाब किया, उसके द्वारा ये पूरी लिंक खुली कि महिमा शर्मा के नाम से जिस लड़की ने शादी की थी उसका एक्चुअल नाम गुंजन ठाकुर है,